वो बैग मेरा उठा के ले आओ, उसके बीच में एक वो पड़ा हुआ है। हाँ ये लेके आओ, लाओ। ये बैग लेके आ चुका है रिजवान, और खोलो इसको। और इसमें से कुछ निकाले हैं जो दिख रहा है। इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो इसको, और बैग को वहाँ नीचे रख दो वापस। अभी रिजवान और मैं देखेंगे कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक हमें गिफ्ट किया है, मुझे ये वाला, तो इसको देखेंगे इसमें क्या है, और उनको फिर एक बार थैंक्स बोलेंगे अपनी तरफ से। इस गिफ्ट को खोलते हैं पहले, ओपन करते हैं। तो गाइस ये जो गिफ्ट है, ठीक है, ये जो गिफ्ट है हम आज इसको ओपन करेंगे। जो मुझे जो गिफ्ट है ये मुझे एक क्लास की तरफ से मिला है। उन्होंने मुझे एज अ बेस्ट टीचर, एक आइडियल टीचर मान के उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं इसको खोलता हूँ, फिर आपसे आगे बात करता हूँ। इन्होंने मुझे एक बैग दिया है, एक डायरी, इसमें पेंसिल है। एक मिनट को ना, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे एक डायरी दी है, डायरी है, बहुत ही ऑसम डायरी दी है। और ये किताब, तो गाइस ये मुझे उन्होंने अपनी तरफ से एक डायरी दी है, डायरी दी है, और ये लॉक वाली डायरी आई थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा है खुलेगा कैसे। I think इसको की होती है, वो की कहाँ है वो नहीं मुझे पता, यहाँ से। ये कहाँ से खुलेगी, यहाँ से। इसको रोटेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अभी रखते हैं इसको, अभी देखते हैं। और दूसरा ये पेन दिया है उन्होंने मुझे, फॉस्कर जर्मनी पेन दिया है उन्होंने, जूट स्टाइलिश बॉल पेन दिया है, आप देखेंगे। और ये उन्होंने मुझे दो गिफ्ट जो कि दिए, एट क्लास में मुझे एज अ बेस्ट टीचर दिए। अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। मेरा फेवरेट पेन मुझे मिल चुका है, उन्होंने मुझे एक एज अ टीचर एक फेवरेट पेन मुझे दिया है उन्होंने। होपफुली ब्लैक होना चाहिए, ब्लू है, ब्लू पेन उन्होंने मुझे दिया है। ये ऑस्कर का पेन है ये, और आप देखिए ये पेन मुझे इन्होंने दिया है गिफ्ट, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए और इसके लिए जो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तू भी बोल, यहाँ से इधर आके बोल, बोल थैंक यू, थैंक यू जिन्होंने मेरे नहीं बल बल जिन्होंने मेरे मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सुन, जिन्होंने मेरे चाचू को गिफ्ट दिया, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, ऐसे कहा थैंक यू। तो गाइस सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरी एट्थ क्लास को, जिन्होंने मुझे एज अ बेस्ट टीचर ये अवार्ड दो दिए हैं।
ये मुझे एज अ बेस्ट आइडल टीचर अवार्ड उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। एक्चुअली मैं उनके साथ मिलके काम कर रहा था बट उन्होंने मेरे को सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया और मैं उन सबको पूरी 8th क्लास को मैं अपनी तरफ से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं थैंक यू पहले बोलना चाहूँगा। और साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एज अ आइडल टीचर अवार्ड दिया है बट मैं उनको ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझे आइडल टीचर मत मानिए, एक एज अ ब्रदर जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, सफ़र किया है, वो आप ना करें, तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। तो आप उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किए, मेरी लाइफ पे क्या हुआ उसको छोड़ के छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को आगे सक्सेस करने के लिए खुद हार्डवर्क करें और नॉलेज के साथ हार्डवर्क करें। तो गाइज मैं पूरी क्लास को अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, खास करके जो वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने जैसे कि रोल नंबर 1 दिव्या और दिया, नैना, भूमिका और पवनीत, और जैसे कि पूरे शेख साहब, बाकी शेख 2 और सारे जो बाकी होल जो थे उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो मुझे नाम नहीं याद है एक्चुअली, जो सब पूरी क्लास को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और खास करके जिन्होंने जिनका नाम मैंने लिया इनको मैं सच में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है अपनी तरफ से, तो वंस अगेन मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा और ये हमेशा मैं अपनी लाइफ में साथ रखूँगा। आपने इतना बड़ा मुझे अवार्ड दिया है, इसमें कंट्रीब्यूशन किया पूरा ऑर्गेनाइज कराने में, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगा और पूरी होल क्लास को एक बार फिर से थैंक यू।